महिलाओं को नरम दिल की माना जाता है, खासकर जब बच्चों की बात आए। लेकिन ये कहानी इससे एकदम उलट है। पुणे की तीन खूंखार महिला अपराधियों की एक कहानी जो रिश्ते में माँ और बेटी थी। ये कहानी ऐसे अपराध की है जिसे सुनकर किसी का भी दिल सहम जाएगा। ये कौन थी, क्यों ये बेरहमी से बच्चों को मार रही थी और इनके साथ क्या कुछ हुआ, हम आपको इस कहानी में बताएंगे। पहले इनके लिए कुछ जुर्म की ऐसी दास्तान जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देगी। और पहले जान लीजिए कि इन तीनों ने मासूम को तड़पा तड़पा कर क्यों मारा। इन तीनों माँ बेटियों ने 10 बच्चों की जान ली थी। महज 1.5 साल के संतोष नाम के एक बच्चे को इन तीनों ने किडनैप किया था। ये उस बच्चे के साथ एक बस स्टैंड पर खड़ी थी। छोटा बच्चा जोर जोर से रो रहा था। ये उस बच्चे के रोने से इतनी नाराज हुई कि इन तीनों ने उस बच्चे को थोड़ी दूरी पर ले जाकर उसके सिर को लोहे की रोड से पटक दिया। ये तब तक उस बच्चे का सिर पटकती रही जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। इन्हें लगा कि अगर ये बच्चा इसी तरह चिल्लाएगा तो इनका राज खुल जाएगा। दूसरी कहानी, 3 साल का एक बच्चा जो इनकी कैद में था, ये उसको नरक से भी बदतर जिंदगी दे रही थी। इन्होंने इस बच्चे को पुणे से किडनैप किया था और उससे भीख मंगवा रही थी। इस बच्चे ने कुछ लोगों से ये बात शेयर की ताकि कोई उसे इन महिलाओं के आतंक से बचा सके। लेकिन ये बात तीनों माँ बेटियों को पता चल गई। बस फिर क्या था, इस बच्चे को इन्होंने पंखे से उल्टा लटका दिया। काफी देर तक उसे ऐसे ही लटकाए रखा और जब वो बेहोश हो गया तो उसका सिर जमीन पर पटक कर उसकी हत्या कर दी। तीसरी कहानी, इन माँ बेटियों ने 18 महीने के एक मासूम की गला दबाकर हत्या की। उसके बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए इन्होंने उस नन्हे से बच्चे को एक बैग में भर दिया। उस बैग को ये मॉल के टॉयलेट में रखकर आ गई। बाद में मॉल के स्टाफ ने जब बैग खोलकर देखा तो नन्हे बच्चे की लाश देखकर चौंक गई। पुणे में माँ बेटियों की तिगड़ी ने सालों तक दहशत फैलाई। कुछ कहानियां ऐसी थी जो लगता था कि शायद ये कोई आम इंसान नहीं कर सकता। ये तीन कहानियां तो इन माँ बेटियों की सिर्फ जुर्म की दास्ता का एक महज ट्रेलर था। इन तीनों खतरनाक महिलाओं का नाम अंजनी बाई गवित और उसकी दो बेटियां का नाम रेणुका गवित और सीमा गवित था। 90 के दशक में इन तीनों ने पुणे में ऐसी दहशत फैलाई कि लोग अपने बच्चों को बाहर खेलने भेजने से डरने लगे। अंजनी बाई को उसका पति छोड़ चुका था और वो अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। घर का गुजारा चलाने के लिए तीनों छोटी मोटी चोरियां करने लगी। अंजनी की बेटी सीमा शादीशुदा थी और उसका एक बच्चा भी था। वो धीरे धीरे अपने बेटे से भी चोरियां करवाने लगी। इन्हें लगा कि अगर बच्चे से चोरी करवाए तो कोई इन्हें कुछ नहीं कहेगा। बस इसी बात ने इनके दिमाग में एक घर कर लिया और एक खतरनाक प्लानिंग बनाना शुरू कर दिया। बच्चों को किडनैप करती और फिर ले लेती इन बच्चों की जान। ये शहर के बच्चों को किडनैप करके अपने पास रखने लगी। जहां बच्चों को अकेला खेलता देखती ये उन्हें उठा लेती और फिर इनसे अपराध करवाती। कभी बच्चों को गोद में रखकर चोरियां करती तो कभी बच्चों से भीख मंगवाती। इस तरह इन्होंने 13 बच्चों को किडनैप किया। इनका इससे भी खतरनाक खेल तब शुरू हुआ जब बच्चों की पहचान होने लगी। इन्हें लगा कि ज्यादा दिन तक एक बच्चे से ज्यादा अपराध नहीं करवाए जा सकते। बस ये एक एक करके बच्चों की हत्याएं करने लगी। कुछ दिन उनसे चोरियां करवाती और फिर उन्हें हमेशा के लिए मौत दे देती। 6 साल तक ये ऐसे ही बच्चों का कत्ल करती रही। अपनी सौतन की बेटी की भी अंजनी बाई ने हत्या की थी। अंजनी बाई के पति जब उससे अलग होकर दूसरी महिला से शादी कर चुके थे तो ये बात अंजनी बाई को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अंजनी बाई ने उस महिला की बच्ची को किडनैप किया और फिर नफरत में आकर उसका कत्ल कर दिया। उस महिला ने ही पुलिस में अंजनी बाई के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। उस केस की जांच शुरू हुई तो फिर एक एक करके सारे राज खुलते चले गए। इन तीनों के जुर्म की पूरी किताब पुलिस के सामने थी। बेटियों को फांसी की सजा मिली, माँ की जेल में मौत हो गई और इन तीनों के ऊपर इससे पहले भी कई दर्जनों केस दर्ज थे, लेकिन पहले पुलिस इन तक नहीं पहुंच पाई। इस केस के बाद तीनों को गिरफ्तार किया गया। साल 1997 में जेल के अंदर ही अंजनी बाई की मौत हो गई।
दोनों बहनों रेणुका और सीमा गवित को साल 2001 में कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई और हाई कोर्ट ने भी इस सजा को बरकरार रखा। लेकिन साल 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने इनकी फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया और तब से लेकर अब तक ये दोनों पुणे की यरवदा जेल में बंद है।